Try. Good. I'm Mundi Sida. Hold the knife. Yes. Legs. And close foot.
আছে। गंगा मैया की जय।
बस 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 रुक जाओ एनसीसी की भारत माता की वेस्ट बंगाल सिक्किम डायरेक्टरेट की Farakka, Bhagirathi curves of the Ganges. We will cover a distance of almost 70 kilometers. We have got 4 27 feet DK whalers work. We arrive by evening, covering a distance of about 78 kilometers. And there we have a stay of 1 day. 8th of June we stay there. So we'll have a visit for the NCC cadets to the resort. In the evening we reach Katwa. Again we reached depart from Mishra for Dakineshwar. That will be the last stop, and it will be a short distance, about 45 kilometers. And 16 morning we depart from Dakineshwar for the Naval Jetty. ये जो expedition का तैयारी और यहाँ तक पहुँचना, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है. सारे कैडेट्स अपना दिमाग सेंटर में अपने काम लगता है. गर्मी ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक वो वगैरह तो बता देता है. एक नेत्रहीन स्कूल में कहीं जा रहे हैं, कहीं पे आप स्वच्छ भारत कैंपेन का काम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं लोगों को मिलो, खुशी से मिलो, अच्छे तरीके से अलर्ट रहना है, सेफ्टी रहना है और अपने आप को तंदुरुस्त. मैया की, भारत माता की, वेस्ट बंगाल सिक्किम डायरेक्टरेट की, सेलिंग एक्सपीडिशन की. हेलो, कैसे रही? ठीक है, 8 साल या 7 दिन है कि 10 बजे तो मैं नहीं, बट वेरी डैमेज द वाटर, सिर्फ वाटर यहाँ से तो हियर. इट्स ए ग्रेट स्टेप फॉर द नॉट ओनली ट्रेनिंग ऑफ नेवल कैडेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल इन देयर प्रोफेशनल स्किल्स, बट आल्सो फॉर their strengthening and building up of their stamina, character in adversity and various associated issues. A lot of effort has been put in by Team Naval in this expedition. Over the next 10 days, the cadets will be sailing approximately 470 kilometers from here to Kolkata. And en route, they will be spreading the message of social equality, also the government's agenda of e-governance, Swachhta, and also they'll be looking up certain schools for the less abled children. The cadets will be adequately trained, and the message of oneness, unity and discipline that is embodied by NCC is spread into the larger environment. Mm-hmm.
Thank you.
को हमारा फ्लैग ऑफ हुआ था जो बेस्ट ऑफ सिक्किम डायरेक्टरेट के डी पी जी ने रॉकेट जेटी फरक्का के वहाँ से फ्लैग ऑफ किया। आज सुबह रघुनाथगंज से हम चलकर धर्मपुर पहुँचे हैं शाम को। यहाँ की दूरी सबसे ज़्यादा है, करीबन 75 किलोमीटर है। ये कंटिन्यूस सुबह से आ रहे हैं, यहाँ पे हम एक दिन रुकेंगे इनका और यहाँ पे इनका एक सोशल वैली चलेगा और देखो अवेयर कराएगा। हम सुबह यहाँ से कटवा के लिए रवाना होंगे, इसका डिस्टेंस करीबन 63 किलोमीटर है। कटवा में एक दिन रुक के फिर हम अगले दिन नवद्वीप के लिए सेल करेंगे। नवद्वीप में दो दिन का स्टे होगा क्योंकि नवद्वीप भी कल्चरल हेरिटेज के लिए माना जाता है। स्टे हमारा होगा दक्षिणेश्वर में जो 15 तारीख को होगा। 15 तारीख स्टे करने के बाद दक्षिणेश्वर से हम हमारा लास्ट लेग ये पूरे सेलिंग एक्सपीडिशन का है वो मैन ऑफ वॉर जेटी कलकत्ता में समाप्त होगा। डायरेक्टर जनरल NCC और हमारा रिसेप्शन करेंगे। 16 तारीख को हमारा ये एक्सपीडिशन समाप्त होगा। आपका नाम? मैं कमांडर सिक्किम मानना, कमांडिंग ऑफिसर 1 नेवल यूनिट NCC। मेजर जयंत पॉल, कौन सी ग्रुप हेडक्वार्टर से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ इस ग्रुप हेडक्वार्टर का। बेसिकली हमारा एक्सपीडिशन टू मोटिवेट टू यंग जनरेशन, टू यंग स्कूल चिल्ड्रेन टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज, टू ज्वाइन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स नेवी व्हाटएवर, टू मोटिवेट एक्सीडेंट अवॉइड कैसे कैसे कर सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना, इस तरह के काफ़ी मिशन को हम लेके निकले हैं। मिशन 16 तारीख को प्रिंसेप घाट में हमारे DG NCC जो क्लोजिंग सेरेमनी पे आएंगे और वहीं पर हमारा ये एक्सपीडिशन खत्म होगा। आप बड़े जोश NCC की भारत माता की सेलिंग एक्सपीडिशन की। NCC की भारत माता की सेलिंग एक्सपीडिशन की वेस्ट बंगाल सिक्किम डायरेक्टरेट की। এটা প্রতি বছরই আমাদের ফারাক্কা থেকে কলকাতা কন্ডাক্ট করা হয়। এটা একটা অ্যানুয়াল ইভেন্ট, এর মধ্যে 40 বয়েজ থাকে আর 20 গার্লস থাকে। এদের ট্রেনিং আমরা 2-3 মাস আগে থেকেই সিলেকশনের জন্য স্টার্ট করে দিই, তারপরে ট্রেনিং করি। তারপরে ফাইনাল 6th জুন আমরা এখান থেকে ফ্ল্যাগ অফ করে যাই। আমাদের কলকাতা পৌঁছতে 11 দিন মতো লেগে যাবে। আমরা ফাইনাল আমাদের যে রিসেপশন হবে 16th জুন জেনারেল NCC যিনি আছেন উনি বছর আসছেন আমাদের রিসেপশন সেরিমনিতে। উনি পুরো টিমকে ম্যান অফ ওয়ার জেটি আছে কতদিন থেকে এটা করছি? আমার 3 বছর, 5 ঘন্টা ব্যাটারি স্যার। সেকেন্ড ইয়ার 2 ঘন্টা, থার্ড ইয়ার মতলব 2 ডেজ, থার্ড ইয়ার
কিভাবে কলকাতা পৌঁছনে তক হম নয় জগা পে রুকেন পহলে আমারা স্টপ থাকগঞ্জ পহলা স্টপ বহরমপুর মে আজ হম বহরমপুর সে নিকলেন কটওয়া পৌঁছেন ব্যাক কমান্ডার বিকে কমান্ডিং অফিসার ওয়ান বেঙ্গল নেভাল এনসিসি এক্সপিডিশন হর সাল কন্ডাক্ট কিয়া যাতা এনসিসি কে ইসমে 60 ক্যাডেটস হ্যাঁ ইসমে 40 বয়েজ হ্যাঁ 20 গার্লস মেরে পরিবার এক্সপিডিশন ফ্লাগ অফ কিয়া ওহাঁ সে করিবন 11 দিন লাগেগা তো কলকাতা পৌঁছনে বিচ বিচ মে নয় জগা হ্যাঁ জহাঁ পে হম স্টপেজেস করেন নাইট হল্টস হোগে মেন অফ ওয়ার জেটি টার্মিনেট হোগা ওহাঁ পে হমারে ডাইরেক্টর জেনারেল এনসিসি পুরে টিম কো রিসিভ করেগা কমান্ডার পিকে মান্ডার
Thank you.
Bharat Mata ki, telling expression ki. West Bengal Sikkim directed ki, selling expression ki, Bharat Mata ki, NCC ki. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Sri Krishna Bhagwan Ki NCC Ki West Bengal Sikkim Director Ki Bharat Mata Ki Sikkim directed ki
जन की भारत माता की Shine, shine, shine.
हाँ तो सामान ले लो, पानी उन्नी कुछ पॉलिथीन है, डिब्बा है। Head.
टफ ज्यादा है कि रोइंग नहीं ज्यादा टफ नहीं ये है टफ ज्यादा है अगर ठीक तरीके से पकड़ा जाए तो कुछ नहीं होता है बच्चों को जब वो तो पकड़ना नहीं आता है सर पकड़ना आता है अगर गिर जाता है ना तब हो जाता है लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पकड़ा जाता है आप सब भी हम How are you boys? Fine, sir. Fine, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्या अच्छा लगा? मजा है? Yes, sir. Awesome. बहुत मजा है. Bengal Sikkim Directorate की DG NCC की Sailing Expedition की NCC की भारत माता की Directorate है National Cadet Corps. हर एक डायरेक्टरेट में लेवल यूनिट रहती है और लेवल यूनिट एक या दो रहती है सब कैडेट्स को नेचर सी का एक्सपीरियंस वाटर एक्सपीरियंस वाटर बॉडी एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का हिस्सा है ऐसी गतिविधियां जो आज आपने देखी हैं इनका मुख्य उद्देश्य रहता है टीम वर्क ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर और जिसके अंदर 400 किलोमीटर से अधिक 10 दिन के अंदर जब भी हमारे कैडेट्स डिस्टेंस कवर करते हैं और उसमें ज़्यादातर हवा बहाव पानी का इस्तेमाल करते हुए सेलिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं जहाँ जरूरत पड़ता है सेलिंग करना पड़ता है इट्स अ वेरी टफ एक्सपीरियंस इसका उत्तर मैं आपको इस प्रकार दूँ कि लगभग 15,000 इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर हमारे देश में एनसीसी इस समय है और 8,000 इंस्टीट्यूशन हैं स्कूल कॉलेज अर्बन एरिया रूरल एरिया क्योंकि वेट लिस्ट जो एन सी सी चाहते हैं और हम उनको दे नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारी वैकेंसीज देने की क्षमता है वो पूरी भरपाई हो जाती है तो ऐसा कहना कि नहीं आते हैं कैडेट्स ये अतिशयोक्ति हो जाती है वी हैव 14 लाख वैकेंसीज एंड वी सब्सक्राइब टू द नेशन यू एंड थैंक यू Ladies and gentlemen, and my dear cadets, at the outset, on the behalf of West Bengal and Sikkim Directorate, I welcome you all to this closing ceremony of Naval NCC Sailing Expedition. It is indeed an honor and privilege to have amongst us Lieutenant General Vinod Vashesh, DG NCC, as the chief guest. The sailing expedition is an annual activity of the Naval Wing NCC cadets. This year, the expedition from Farakka to Kolkata on River Hooghly, which is a distance of approximately 430 kilometers by river route, was conducted by 60 cadets, 40 boys and 20 girls, in four baler class boats from 2nd June to 16th. The sailing expedition is also aimed at building mental robustness, physical sturdiness in cadets while developing camaraderie and team spirit in them. Apart from the ability to cooperate and interact as a disciplined, cohesive body in the face of adversity, this tough expedition gave them multiple opportunities to build in these cadets the capacities for team spirit, cooperation and joint function. All these are assets for their future lives as individuals and as a valued future citizens of the nation. Even as it inculcates a spirit of adventure and healthy competition amongst each one of them. The team arrived in Farakka on 2nd June and set camp at New Farakka High School. At Farakka, the team was given exposure on tidal water effects while pulling the boat. The team was flagged off by Brigadier SPS Parihar, DDG, West Bengal and Sikkim Directorate from Farakka on 2nd June. Four 27-foot DK Vela boats were rigged up with sails, oars and other gears used by them for the expedition. Although moderate to strong winds help in the movement of the boats, yet most of the time it was sheer power of the cadets
that saw them pulling through. That persisted during the course of expedition posed a major challenge as each cadet grappled against dehydration and fatigue. But they displayed great resilience in beating the oppressive heat. The team also experienced bad weather en route, yet it managed to navigate the waters effectively and berth safely. The team stopped over at various locations en route. The route map of the expedition in front of you depicts the movement of the team from Farakka to Kolkata. The en route halts were made at Raghunath Ganj, Behrampur, Katwa, Navadeep, Dalna, Rishra, and Dakin Nation. I now hand over to Cadet Captain Amit and Cadet Sabha, who will narrate the journey in their own words. हम यहाँ पर उपस्थित के सभी लोगों के समझ सिक्किम एक्सपीडिशन 2017 का अनुभव प्रस्तुत करना चाहते हैं। We started our journey on 1st June from Kolkata to Farakka by train. हम लोग 2 जून को फरक्का पहुँच गए। वहाँ हम लोग 6 जून तक ने भाग लिए। इस जागरूकता रैली में हमने डिजिटल पेमेंट स्वच्छ भारत अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लोगों को जागृत किया। On 6 June, we were flagged off by Brigadier Farhan and sailed with 4DK whaleboat. The boat were marked as Alpha, Bravo, Charlie and Delta, manned by cadets and one care staff. हम लोग वहाँ से 4 नावों के माध्यम से रघुनाथगंज के लिए प्रस्थान किए। इस दौरान हमने पहली बार हुगली नदी में बोट पुलिंग का अनुभव प्राप्त किया। We had our lunch on board, safety board and lunch in the... इस दौरान हमने खराब मौसम का भी साहसपूर्वक सामना किया और हमने सीखा कि कैसे खराब मौसम का विनाश को नियंत्रित करते हैं। That expedition was amazing experience. Thank you. धन्यवाद। Put up our dance and a group song. Cadet Deepthi Sardar and our group along the side. Prem Rana Mor Kovita Shure Rahan Tare Jhir Jhir Jharna Dharai Motun Ram Chare Prem Rana Mor Kovita Shure Rahan Tare Jhir Jhir Jharna Dharai Motun Ram Chare Shobuje Shobuje Puri 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 uri ure jane Kon hara nor kikana Aagure ro moho nae Mor mataro moho aae Rungiri di mur nisha Kona kashe diye jane Aagure ro moho nae Aagure ro moho nae Mor mataro moho aae Rungiri di mur nisha Kona kashe diye jane Aagure ro moho nae Call upon Cadet Captain Amit. Oh
I'll now request DG NCC to come up on stage, give away the prizes to the deserving cadets. PO cadet Jayanandani. Best Tuner SD cadet Ajit Kumar Thakur. Cadet Captain Vipul Gupta. The best spirited boat pulling Pacific Expedition 2017, Charlie Burke. चाहता हूं नेवल ट्रेनिंग के स्टाफ को जिन्होंने चार या पांच व्यक्तियों ने मिलकर नर्सिंग असिस्टेंट ऑफिस 36 किलोमीटर की यात्रा और इस एक्टिविटी को करने में कैडेट्स को सक्षम किया. आई कंग्रेचुलेट यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू. एंड डियर कैडेट्स, हम सब जमीन पर रहने वाले व्यक्ति हैं. जैसे ही आप आसमान पे उड़े, चाहे आप पैरासेलिंग करेंगे, माइक्रोलाइट फ्लाइंग करेंगे, या जब आप सी में या वाटर बॉडी में जाके ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो दिल की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक बात है. इसलिए क्योंकि आपने जानते बूझते इस चीज़ को वॉलंटियर करके इस गतिविधि को अंजाम दिया. दैट मीन्स यू आर बॉर्न लीडर्स एंड यू कैन डू इट. यू कैन डू दिस मच, then you can do much more in days to come. It is all the power of mind. Yesterday, talking to the cadets, I told you all that a human body can take much more than you think it can. And whether you can do a thing or not doesn't lie in your physique. It lies in the mental strength and determination that you possess. So strengthen your mind. Never, 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 never give in. This is what I told you yesterday as well. And second thing I want to tell you is, I am because we are. Main hoon kyunki hum hain. This would have taught you this and reinforced what I keep telling you all. It is the teams that matter. However strong you may be, individually you can go nowhere. And when you are pulling, if you are not pulling in the same rhythm, in the same direction, your boat is heading nowhere. So remember, I am because we are. Try and spread these words across. We'll do our nation great favor. God bless you and thank you once again. Compliments and God bless.
পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম ডাইরেক্টরেটের এনসিসি ক্যাডেটের নৌশাখার ছেলেমেয়েরা ফারাক্কা থেকে গঙ্গা বক্ষে 10 দিনে কলকাতায় পৌঁছল। মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা থেকে কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটের ম্যান অব ওয়ার জেটির দূরত্ব 433 কিলোমিটার। গঙ্গার এই পথে নানা জায়গায় নদীর চরিত্র নানা রকম, কোথাও ঘূর্ণি স্রোত, কোথাও চড়া, আবার কোথাও হাওয়ার চরিত্র বুঝে চলা। এমন নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে নিজেদের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে এনসিসির ছেলেমেয়েদের। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই এনসিসির ছেলেমেয়েরা আজ কলকাতায় এসে পৌঁছলে তাদের স্বাগত জানান এনসিসির মহানির্দেশক লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিনোদ বশিষ্ঠ। তিনি বলেন, এনসিসির মধ্যে দিয়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব আরো জোরদার হচ্ছে, দেশপ্রেম জাগরিত হচ্ছে তাদের মধ্যে। সব ক্যাডেটস কো নেচার কে সি কা এক্সপিরিয়েন্স, ওয়াটার এক্সপিরিয়েন্স, ওয়াটার বডি এক্সপিরিয়েন্স ইস ট্রেনিং কা হিসসা হ্যায়। এসি গতিবিধিয়াঁ জো আজ আপনে দেখি হ্যায়, ইনকা মুখ্য উদ্দেশ্য রহতা হ্যায় টিম ওয়ার্ক, এ স্পিরিট অফ অ্যাডভেঞ্চার, আর জিসকে অন্দর 400 কিলোমিটার সে অধিক 10 দিন কে অন্দর জেনারেলি হমারে ক্যাডেটস এক ডিস্টেন্স কভার করতে হ্যায়, আর উসমে জ্যাদাতর হওয়া বহাব পানি কা ইস্তেমাল করতে হুয়ে সেলিং পর জ্যাদা জোর দেতে হ্যায়, যহাঁ জরুরত পড়তা হ্যায় তো পুলিং করনা পড়তা হ্যায়, ইটস এ ভেরি টফ এক্সারসাইজ। তো জব মানে ক্যাডেটস সে অভি বাত কিয়া, উনকো ক্যা লেসন উনহোনে দেখা ওর ক্যা সিখা, তো সবকা একই জবাব থা, টিম স্পিরিট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এই এক্সপিডিশনে অংশ নেওয়া ছেলেমেয়েরা উৎসাহী তাদের অভিজ্ঞতায়, রোমাঞ্চকর এই অভিযান তাদের আরো উদ্বুদ্ধ করবে বলে জানাচ্ছেন তারা। বহুত অচ্ছে সে কেয়ারিং করকে হমলোগো রাখা গিয়া থা, আর এসা মাইন্ডসেট কা দিয়া গিয়া থা কি হমলোগো কোই প্রবলেম না হো। বহুত অচ্ছা এক্সপিরিয়েন্স রহা হমলোগো কা, হমলোগো কো মালুম চলা কি কাইসে টিম ওয়ার্ক, এক সাথ হোনে সে কাইসে টিম ওয়ার্ক কাম করনা হ্যায়। हम लोगों ने बहुत चीजें सीखी, बहुत चीजें एक्सपीरियंस की है। और मुखोपाध्याय रिपोर्ट, दूरदर्शन संवाद, कोलकाता।